नमस्कार, मैं प्रतिभा आप सबका स्वागत करती हूँ हंगर कॉर्नर में। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक, जिसके लिए मैंने ये सबसे पहले 1 कप शुगर ली है। केक बनाने में कभी ये ना सोचे कि हमारा केक अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा। आप कोई भी इंग्रेडिएंट्स लें तो पहले जो भी आपका मेजरमेंट है उसे इस तरह से बिल्कुल फ्लैट लें, ना दबा के लें ना एक्स्ट्रा लें। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, ऊपर तक ले लेते हैं, हमें ऊपर तक नहीं लेना, बिल्कुल फ्लैट लेना है। अब ये हमने 1 कप शुगर ली है, शुगर पाउडर है। शुगर पाउडर आप चीनी को पीस भी सकते हैं, शुगर पाउडर आपका तैयार हो जाएगा। और 1/2 कप हमने वेजिटेबल ऑयल लिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब ऐड करेंगे 2 अंडे, 180 डिग्री पे प्री हीट होने के लिए रख दिया है। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेंगे, एक छलनी रख लेते हैं, ये 1/4 मिल्क पाउडर, 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 चम्मच कोको पाउडर। अब हम इसको छान लेंगे। छानना बहुत जरूरी होता है, जिसे भी कोई लम्स हो वो नहीं रहते हैं फिर। और अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर भी नहीं है तो आप चम्मच की सहायता से भी इसको आसानी से मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क, 1/4 कप लिया है। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कट एंड फोल्ड की मेथड से हमें करना है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम केक टिन को ग्रीस कर लेते हैं। वेजिटेबल ऑयल से ही हम ग्रीस कर रहे हैं। आप चाहे तो ऑयल की जगह बटर भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे से ग्रीस हो गया। अब मैदा से डस्ट कर लेंगे। अब मैदा से भी कर सकते हैं, कोको पाउडर से भी डस्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें अपना केक का बैटर डाल देंगे। ये देख लीजिए, अब इसे टैप कर देते हैं और हम इसे अपने ओवन में रख देते हैं 25 मिनट के लिए, जब तक केक बेक हो रहा है, जब तक हम व्हिप्ड क्रीम बना लेते हैं। ये मैंने 300 ग्राम क्रीम ली है और ये बाजार में व्हिप्ड क्रीम के नाम से ही मिलती है, इसमें हमें शुगर नहीं मिलानी पड़ती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। करीब 5 मिनट में ये बनके तैयार हो जाती है। पहले 2 मिनट हमें स्लो पे करना है और फिर 3 मिनट हमें हाई पे। अब हम इसमें 1 चम्मच वनीला एसेंस डाल लेंगे, जिससे कि इसकी खुशबू और अच्छी हो जाएगी। ये देखिए, ये इस तरह से अगर आ जाती है ऊपर तो इसका मतलब आपकी क्रीम बहुत अच्छे से व्हिप्ड हो गई है। अब आप इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख दीजिए, जिससे कि ये बहुत अच्छे से थोड़ी सी थिक हो जाएगी। चेक कर लेते हैं केक बनाए कि नहीं। ये देखिए नाइफ हमारा बिल्कुल क्लीन आ रहा है, इसका मतलब केक हमारा बहुत अच्छे से बन गया है। और दूसरा साइन ये होता है कि केक बिल्कुल साइड से अपने आप को छोड़ देता है। जैसे ये देखिए, साइड से केक ने केक टिन को छोड़ दिया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। चलिए केक टिन में से केक को निकाल लेते हैं। आप साइड से जरूर इस तरह से कीजिए और ये देखिए केक हमारा
बहुत अच्छे से निकल आया है। और ये देखिए फ्लफी भी बना है। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए, जिससे कि ये अंदर से अच्छे से कूल हो जाए, और फिर हम इसकी आइसिंग करेंगे। अब हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे। ये हमने 3 भागों में डिवाइड कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से रख लेंगे ताकि हम प्लेट को इस तरह से घुमा सकें। ये जो डिब्बे वाली चेरी आती है उसमें जो सिरप होता है वो हमने यूज़ करा है। अगर आप फ्रेश चेरी यूज़ करते हैं तो आप शुगर सिरप बना लें। बहुत ही सिंपल तरीका है शुगर सिरप बनाने का। 1/2 ग्लास पानी में 3 चम्मच चीनी आप डाल लीजिएगा। शुगर सिरप तैयार है। उसे थोड़ा सा हमें उसे गर्म करना पड़ेगा। पर ऐसे ही हम तीसरे वाले पे लगा लेंगे। ये हम तीसरा पार्ट रख लेते हैं। क्रीम को चारों तरफ से अच्छे से हमने स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। ये हमने डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है और इसको ग्रेट कर लिया है। अब हम इसको साइड से बिल्कुल कवर करेंगे। ये देखिए हमने साइड से पूरा अच्छे से कवर कर दिया है। ये लीजिए ब्लैक फॉरेस्ट केक हमारा बिल्कुल रेडी है और बहुत ही टेस्टी बना है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से कितना सुंदर केक बना है। चलिए अब इसको सेट करने के लिए फ्रीजर में रख देते हैं 1/2 घंटे के लिए। ये केक काट लेते हैं।